तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि व्रत के लिए बहुत ही टेस्टी सा और झटपट बनने वाला नाश्ता। हम बनाएंगे साबूदाने के पकोड़े। इसके लिए आपको साबूदाने को ना तो भिगो के रखने की ज़रूरत है और ना ही इसको बॉईल करना है। बहुत जल्दी और झटपट से बनकर ये तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, बनाते हैं साबूदाने के पकौड़े। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये एक कटोरी साबूदाना है, इसको हमने अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछ लिया था और इसके बाद हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। 3-4 मिनट के लिए इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे इस तरीके से। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको ठंडा करके और मिक्सर जार में डाल के और इसको हमने पीस लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से इसका जो पाउडर बन गया है। और अब हम क्या करेंगे, एक आलू मैंने छीलने के बाद अच्छे से धो लिया था और इसको टुकड़ों में काट लिया। अब ये भी इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, आधी कटोरी के करीब, और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए सब कुछ, आलू भी इसमें पिस गया है। अब हम इसको किसी बाउल में पलट लेते हैं। तो ये देखिए इसको बड़े बाउल में पलट लिया मैंने और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भुनी मूंगफली का पाउडर और 2 हरी मिर्च डाली है कटी हुई और थोड़ा सा हरा धनिया। और इसके साथ ही हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच सेंधा नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें डाल दिया है आधी छोटी चम्मच काली मिर्च। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच पानी और डाला मैंने, ये जो मिक्सर जार में थोड़ा बैटर लगा हुआ था वो भी निकल गया। तो अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस और मिक्स करने के बाद इसको ढक कर रख देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने मिक्सी के जार में ये हरे धनिया को अच्छे से धो के और इसमें डाल दिया है। साथ ही इसमें हरी मिर्च डाली है और 1 चम्मच मूंगफली के दाने हैं। और साथ ही हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच दही। और अब इसमें नमक डाल देंगे, सेंधा नमक। और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच नींबू का रस और इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए चटनी हमारी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। तो ये देखिए इस साइड बैटर भी हमारा तैयार है। 7-8 मिनट हो गए इसको रखे हुए और अब हम इसके पकोड़े बना लेते हैं। तो इस साइड पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल को अच्छे से गरम कर लें और इस तरीके से छोटी छोटी इसकी पकौड़ियाँ बना लें। ये देखिए इस तरीके से सारे पकौड़ियाँ हम बना लेंगे जितनी एक बारी में ऑयल में आए। और अच्छे से एक साइड से सिक जाएं तो फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखिए पहले आपने हाई फ्लेम रखना है और उसके बाद आपने इसको फ्लेम को लो मीडियम कर देना है। तो ये देखिए अब इसको पलट पलट करके अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। तो देखिए बन गया ना झटपट से व्रत का नाश्ता और टेस्टी भी बहुत बनता है ये खाने में, बहुत ही टेस्टी, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम से सॉफ्ट। तो ये देखिए अब इसको निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो ये लीजिए व्यूवर्स, गर्मा गर्म पकौड़े, साबूदाने के पकौड़े बनकर तैयार हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे जो भी मेरी रेसिपीज़ आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।